हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती है लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस और यूजफुल कंटेंट जो आपके लाइफ में बहुत काम आती है। जी हां फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं एक ऐसे ही टॉपिक के साथ और आज का हमारा टॉपिक है धान का दाम कैसे निकालें। हमेशा की तरह आज का ये वीडियो भी आपके कमेंट पर आधारित है और ये कमेंट किया है जन्नत खान जी ने। तो क्या लिखती हैं जन्नत खान जी, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये लिखती हैं, एक क्विंटल धान का दाम 1390 रुपए है तो एक क्विंटल 3 किलो 300 ग्राम का रुपया कितना होगा। तो मैं आपके कमेंट को व्हाइट बोर्ड पर लिख ले रहा हूं, इसको बाद हम लोग देखते हैं कि हम इसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पर लिख लिया है, आइए देखते हैं कि हम किसको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर दाम कितना है, एक क्विंटल का दाम कितना है 1390 रुपए। तो देखिए, चलिए सबसे पहले हम लोग भाव लिख ले रहे हैं। भाव हमारा क्या है, भाव भाव है 1390 रुपए क्विंटल, भाव है 1390 रुपए क्विंटल। ठीक है, अब देखिए हमें क्या काम करना है, 1390 रुपए क्विंटल। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि देखिए यहां पर जो हमारी मात्रा दिया है, एक क्विंटल 3 किलो 300 ग्राम, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्विंटल में है और ये भाव हमें क्विंटल का दिया है, तो हमारी जो मात्रा भी होनी चाहिए वो भी क्विंटल में ही होनी चाहिए, तब हम भाव का केवल गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे समस्या थोड़ी सी और है, यहाँ पे किलो भी दिया है, ग्राम भी दिया है, तो हमारे लिए समस्या है कि हम इसका कैसे हम हल निकालें। कैलकुलेटर से भी सॉल्व करना है, फिर भी कैसे हम सॉल्व करें। तो अब इसके लिए समझिए जरा, एक क्विंटल में कितना होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक क्विंटल में कितने होते हैं, तो एक क्विंटल में होते हैं 100 किलो, कितने होते हैं 100 किलो, ठीक है। और अगर आपसे मैं और पूछूं कि एक किलो में कितने होते हैं, तो आप क्या बताओगे, एक किलो में होते हैं 1000 किलो, सॉरी एक किलो में होते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। तो देखिए ये ट्रिक आप अगर समझ लेंगे तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के जा नहीं पाएंगे। ध्यान से समझिएगा, देखिए ये एक क्विंटल जो है ये 100 किलो से बना है और एक किलो किससे बना है, 1000 ग्राम से मिलकर बना है। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है, जो जिससे बना होता है हम दशमलव के उतना अंक तक उसको लिख सकते हैं। चलिए इन दोनों को अगर हम मिला दें, अगर हम इन दोनों को ही मिला दें तो हमारा एक क्विंटल में कितना हो जाएगा, एक क्विंटल में हमारा हो जाएगा, देखिए 100 किलो ये और एक किलो में 1000 ग्राम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक क्विंटल में डायरेक्ट कितने ग्राम होते हैं, तो ये 2 जीरो और ये 3 जीरो मिलकर कितने जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे, ये डायरेक्ट ग्राम में चेंज हो गया है, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए कि हम ये जो मात्रा लिखा हुआ है, मात्रा मात्रा हम लिख ले रहे हैं, क्या है मात्रा हमारी, ये मात्रा है एक क्विंटल, एक क्विंटल 3 किलो 300 किलो 300 ग्राम, ठीक है। तो अब इसको हमें क्विंटल में चेंज करना है, हमें इसको किस में चेंज करना है, क्विंटल में। तो ध्यान दीजिए हम इसको दशमलव में लिखेंगे, तो अब यही चीज हमें आपको कह रहा था, देखिए अगर हमें किलो को क्विंटल में चेंज करना है तो हम दशमलव के 2 अंक तक लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 200 से मिलकर बना है और 100 में 2 जीरो है, तो दशमलव के 2 अंक तक हम लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे इकाई अंक दिया गया है तो हम उसको 2 अंक में लिखेंगे, तो लेकिन पीछे वाले में लिखेंगे। अगर ये दहाई में दिया हुआ है, जैसे इकाई का मतलब यहां पर 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं हो सकती हैं, 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं रहेंगी, तो हम यहाँ यहां देखिए 2 जीरो का स्पेस बन रहा है, 2 जीरो का जगह है, तो अगर ये 1 से 9 के बीच में है तो हम पीछे वाले में लिखेंगे, अगर ये 10 से लेकर 99 के बीच में है तो हम दोनों में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां जो ग्राम वाला है उसको समझ लीजिए, 1 किलो में भी 1000 ग्राम है, देखिए ये दोनों स्पेस तो हमारे यहां पर हो गए हैं। अब ग्राम वाला हमारा यहां पे आता है, जो 3 स्पेस और बच रहा है यहां पे हमारा ग्राम वाला आता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर
यहां पे 3 किलो है तो यहां हम लिखेंगे 03 और यहां 300 ग्राम है तो हम यहां 300 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अगर ये 1 ग्राम इकाई में ग्राम रखा तो हम यहां लिखते हैं, अगर मान लीजिए 50 ग्राम 60 ग्राम 70 ग्राम है तो ये दोनों हम लेकर लिखेंगे पीछे से ही, और अगर मान लीजिए सैकड़े में है तो ये तीनों स्थान ही हमारा भर जाएगा। तो इस तरह से देखिए नीचे वाला हम स्पेस ये मिटा दे रहे हैं, अब ये हमारा किस में बन गया है, क्विंटल में बन गया है, ठीक है। अब ये हमारा क्विंटल में बन गया है। अब हमारा जो दाम हमें जो निकालना है बहुत ही सरल तरीके से, 1390 रुपए क्विंटल है, यहां हम लोगों ने पहले ही लिख लिया है, तो यहां पे हमें कैलकुलेटर में सिर्फ यही एंट्री करना है, 1390 × 1.03300 इतना हम एंटर कर लेंगे, तो ये भी हमारा क्विंटल में चूंकि बन गया है ये भी क्विंटल का ही दाम है, तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1435 रुपए 87 पैसे, जैसा कि आपको साइड में दिख रहा होगा स्क्रीन पर 1435 रुपए 87 पैसे। इस तरह से हम लोग बड़े आसानी से अपना कर सकते हैं। बस यहां पे आपको ये स्टार पॉइंट ध्यान देना है, स्टार पॉइंट ये है कि अगर कोई बड़ा यूनिट कोई छोटे यूनिट से बना हुआ है तो उसमें जितने जीरो होते हैं उतने अंक तक हम इसको ले जाकर के लिख सकते हैं। अगर आपको ये अच्छे से नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके नेक्स्ट कमेंट के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे अन्य कैटेगरीज की वीडियोज का भी लाभ उठाना चाहते हैं तो यहाँ आपको सर्च बॉक्स में सर्च करना है उम्मीदों का प्रभात। जैसे ही उम्मीदों का प्रभात सर्च करेंगे तो फ्रेंड्स उम्मीदों का प्रभात का आइकन आपके सामने आ जाएगा। आप इस आइकन को जब टच करेंगे तो उम्मीदों का प्रभात का होम पेज खुल जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही यहाँ पर बेल आइकन सेलेक्ट करके ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। फ्रेंड्स जब आप इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमारे अदर चैनल्स भी हैं जिन पर अलग अलग कैटेगरीज की वीडियोस उपलब्ध हैं। फ्रेंड्स अगर आप इन वीडियोस का भी लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको सिंपली इन सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना है। ये फ्रेंड्स हमारे ही चैनल्स हैं और इन पर अलग अलग वीडियोज अलग अलग कैटेगरी की वीडियोज उपलब्ध हैं, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही सभी के बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।